आज हमने उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। धामी सरकार ने पेश किया 65,571.49 करोड़ का बजट। आए अटल आयुष्मान के लिए 310 करोड़। उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। 2022-23 के लिए 65,571.49 करोड़ का बजट पेश किया गया है। इस बार भी घाटे वाला बजट पेश हुआ है। प्रदेश की कुल राजस्व प्राप्तियां 63,774.55 करोड़ की हैं, जबकि कुल एक्सपेंडिचर 65,571.49 करोड़ का है। इस बजट में 1216 पटवारियों को मिलेगी मोटरसाइकिल। बजट में प्रावधान राजकोषीय घाटा 8,503.70 करोड़ तक पहुंचा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में ब्याज भुगतान के लिए 6,017.85 करोड़ का प्रावधान। वर्ष 2022-23 से पेंशन मद में 6,703.10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सीमांत इलाकों में पलायन रोकने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय के चंपावत परिसर की स्थापना का प्रावधान। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया। मनरेगा के तहत 2022-23 में 297.84 करोड़ का प्रावधान किया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 105.41 करोड़ का प्रावधान किया गया। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 205 करोड़ का प्रावधान किया गया। ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 112.38 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया। वहीं पात्र बुजुर्गों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों, प्रत्यक्ष महिलाओं को पेंशन के लिए 2022-23 में 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। वहीं अंत्योदय कार्ड धारकों को 1 साल में 3 LPG सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 55.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। अटल आयुष्मान योजना के तहत 2022-23 में सरकार ने 310 करोड़ का बजट रखा। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए 2022-23 में 12.28 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मेरी गाँव मेरी सड़क योजना के लिए 2022-23 में 13.48 करोड़ का प्रावधान रखा गया, जबकि चाय विकास योजना के लिए 2022-23 में 18.40 करोड़ का प्रावधान रखा गया। वहीं गौ सदनों के लिए सरकार ने 15 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 20 करोड़ का प्रावधान रखा गया। राज्य सरकार का बजट अनुमान 63,774.55 करोड़ है। चाय बागानों और को और बेहतर बनाया जा रहा है। जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। खेती को लेकर सरकार का फोकस है। अग्निपथ स्कीम से रिटायर जवानों को उत्तराखंड पुलिस भर्ती में मिलेगी प्राथमिकता। सीएम धामी ने किया ऐलान। रक्षा मंत्रालय ने आज से अग्निपथ स्कीम शुरू कर दी है। वहीं अग्निपथ स्कीम को लेकर के उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अग्निपथ स्कीम से रिटायर जवानों को उत्तराखंड पुलिस भर्ती में वरीयता मिलेगी, साथ ही अन्य विभागों में भी प्राथमिकता दी जाएगी। गोपेश्वर पालिका में 2 दशक बाद बीजेपी की वापसी। लक्सर सभासद उपचुनाव में भी लहराया परचम। तो भाजपा ने गोपेश्वर नगर पालिका के अध्यक्ष और लक्सर सभासद पद पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज किया। गोपेश्वर नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर भाजपा ने 2 दशक बाद वापसी की। अध्यक्ष पद पर पुष्पा पासवान ने जीत दर्ज की, जबकि लक्सर सभासद पर भाजपा की मालवती पांचाल ने जीत का परचम लहराया। रोडवेज के रिटायर कर्मचारी को 3 माह में सभी भुगतान करने का हाईकोर्ट का आदेश। तो कृष्णकांत यादव व अन्य 26 ने उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कर कहा कि वे परिवहन निगम में विभिन्न पदों से रिटायर कर्मचारी हैं। निगम ने उनको रिटायरमेंट के समस्त लाभों का भुगतान नहीं किया, साथ ही निगम ने उनके रिटायरमेंट होने के बाद उनके भुगतान में कटौती की है। रामनगर में अवैध खनन रोकने को लेकर के प्रशासन ने मारा छापा। तो रामनगर में अवैध खनन की शिकायत को लेकर के लेखा उप निदेशक खनन विभाग और राजस्व की टीम ने स्टोन क्रशरों में छापा मार कार्रवाई की। इस दौरान खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया। उपचुनाव का रिजल्ट, नगर निगम रुद्रपुर के दोनों वार्डों में हारी बीजेपी। किच्छा नगर पालिका में मिली जीत। उधम सिंह नगर जिले के नगर निगम रुद्रपुर के वार्ड नंबर 13 और 36 में उपचुनाव का आज रिजल्ट आ गया। दोनों ही वार्डों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि एक वार्ड में बीजेपी प्रत्याशी मात्र 7 वोट से आ रहा है। वहीं किच्छा नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी जीता है। लक्सर के रंगबाज सोएब ने तमंचे के साथ वायरल की फोटो, पुलिस ने भेजा जेल। तो हरिद्वार जिले के लक्सर में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी ने तमंचे के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की थी।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मालवीय घाट पर भी होगा कार्यक्रम, गंगा सभा देगी संदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इस बार हर की पेड़ी ब्रह्मकुंड घाट के ठीक सामने मालवीय घाट पर भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रामनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। तो रामनगर में एक युवक का शव उसके घर के पास ही संदिग्ध अवस्था में मिला। मृतक के गले पर धारदार हथियार से वार किया गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई, साथ ही न्याय की गुहार लगाई है। हल्द्वानी में 102 कट्टे खड़िया और 188 टीन लीसा तस्करी करते दो गिरफ्तार। तो हल्द्वानी में पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो खड़िया और लीसा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक में अवैध रूप से ले जाए जा रहे 102 कट्टे खड़िया और 188 टीन अवैध लीसा पकड़ा है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। रुड़की से खबर है, विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पति के दूसरे महिला से थे अवैध संबंध। तो रुड़की के ढीलमजरा गांव की विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि दामाद की दूसरी महिला से अवैध संबंध थे, इसकी भनक बेटी को लग गई थी, इस कारण दोनों के बीच तकरार होने लगी थी। आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली भाजपा में शामिल, सीएम धामी ने ज्वाइन कराई पार्टी। तो आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली भाजपा में शामिल हो गए हैं। दीपक बाली ने सोमवार देर रात ही इस्तीफा दिया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दीपक बाली को भाजपा का पटका पहनाकर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। दीपक बाली ने भाजपा ज्वाइन करने की वजह भी बताई है। लक्सर से खबर यह है, काटपीर मेले का आगाज लग रहा है, जय रीनो का ताता। तो लक्सर के पथरी जंगल में स्थित दरगाह शाह मोहम्मद शाह उर्फ काटा पीर के मेले की पहली रोशनी के साथ 853वां उर्स का आगाज हो गया। रामनगर बालिका उपचुनाव में मात्र एक वोट से जीती परवीन, जहां चंद्रा देवी हारी। तो रामनगर नगर पालिका के वार्ड नंबर 16 के उपचुनाव में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली, जहां प्रत्याशी परवीन एक वोट से जीती हैं, वहीं उन्होंने चंद्रा देवी को हराया है। श्रीनगर में बाइक चोरी कर रात भर घूमता रहा नकाबपोश, सीसीटीवी कैमरे में दर्ज वारदात। तो श्रीनगर गढ़वाल में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इलाके में बाइक चोरी की एक और घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अब चोर बाइक चुराने के बाद शहर भर में घुमाता नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। हल्द्वानी में 15 लाख की स्मैक के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, पौड़ी में भी नशे के सौदागर अरेस्ट। तो टीपी नगर पुलिस और एसओजी टीम ने दो स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 150 ग्राम स्मैक बरामद की गई। बरामद स्मैक की कीमत करीब 15 लाख के आसपास बताई जा रही है। उधर पौड़ी में भी नशे के सौदागर गिरफ्तार किए गए हैं। कैची धाम स्थापना दिवस मेले को लेकर के उत्साह, पहुंचेंगे 1.5 लाख से ज़्यादा भक्त। तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित भवाली का कैची धाम मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। मंदिर के संस्थापक रहे बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन के लिए रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। हर साल 15 जून को बाबा नीम करोली महाराज के कैची धाम मंदिर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। स्थापना दिवस के लिए मंदिर प्रबंधक के साथ ही प्रशासन भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। पिछले 2 साल से कोरोना के चलते कैची धाम में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि कैची धाम स्थापना दिवस पर 1.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। लक्सर में 6 महीने किया शोषण, गर्भपात करवाया, फिर शादी से किया इनकार, केस दर्ज। तो लक्सर में एक युवती ने एक युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती का आरोप है कि युवक शादी का झांसा देकर उसकी असमत से खेल रहा था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड एसटीएफ ने सोनीपत से साइबर अपराधी को दबोचा, केबीसी के नाम पर ठगे 31 लाख रुपए। तो उत्तराखंड एसटीएफ ने हरियाणा के सोनीपत से साइबर अपराधी अनुज कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी अनुज कुमार ने देहरादून के राजेंद्र कुमार से कौन बने करोड़पति लॉटरी के नाम पर 31 लाख रुपए की ठगी की थी। बागेश्वर से खबर है, प्रशासन ने गधेरे से किया चौथे युवक का शव बरामद, गाँव में मातम। तो कपकोट के गोगिना गाँव में पर्थी रोला गदेरे में नहाते समय 4 किशोर डूब गए थे, जिनमें से 3 के शव बीते दिन निकाल लिए गए थे। वहीं आज सुबह चौथे युवक का शव भी बरामद कर लिया। एक साथ 4 लोगों की डूबने से मौत के बाद गांव में मातम छाया हुआ है। हल्द्वानी में सूदखोर का 2 लाख नहीं चुका पाया युवक, धमकी मिलने पर की खुदकुशी। तो हल्द्वानी में एक युवक ने सूदखोर के दबाव और धमकी के चलते जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों ने पुलिस में तहरीर देते हुए सूदखोर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की तहकीक में जुट गई है।
हरिद्वार से खबर है, मामूली विवाद में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, आरोपी फरार। तो औद्योगिक नगरी सिडकुल में मामूली कहासुनी में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वहीं घटना के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। सदन में कांग्रेस तो बाहर संगठनों ने उत्तराखंड सरकार को घेरा, बेलदारों का सड़क पर धरना। तो लोक निर्माण विभाग के बेलदार आउटसोर्सिंग कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति दिलाने की मांग को लेकर उत्तराखंड विधानसभा घेराव करने निकले। अचानक चलने लगी पार्किंग में खड़ी कार देखते ही देखते गंगा में समाई। तो त्रिवेणी घाट पर खड़ी एक कार पार्किंग से निकलकर गंगा में बह गई। स्थानीय लोगों ने कार को किसी तरह बातर सीढ़ी गंगा घाट पर बहने से रोक लिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की जमकर तारीफ की। 10 लाख भर्तियां निकालने की तैयारी, पीएमओ ने जारी किए निर्देश। तो बेरोजगारी के मामले में लगातार आलोचना झेल रही मोदी सरकार ने आखिरकार अब नई भर्ती निकालने के लिए मिशन मोड पर काम करने का फैसला किया। सरकार ने तमाम सरकारी विभागों में 10 लाख लोगों के लिए भर्ती निकालने को कहा है।